सनातन धर्म जो हमारा कहता है वो मीठे पानी में किया जाता है, अर्पण किया जाता है, गंगा मैया में सती घाट के ऊपर जो है वहाँ पे ही किया जाता होता है, और हर की पौड़ी पे ही उनका विसर्जन कार्य किया जाता है गंगा मैया पे। गंगा मैया में विसर्जन करने से जैसे भगीरथ जी ने अपने बड़ों का जो है विसर्जन कार्य कराया और उनकी आत्माओं को शांति दिलाई, इसी तरह तमाम सनातन धर्म के जो लोग होते हैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से वो ये चाहते हैं कि उनके बुजुर्गों की, उनके पितरों की, उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनको जो है चरण कमल में प्रभु की जगह मिले। तो इसी वजह से ही हमने इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी जी से और अमित शाह जी जो हैं वो, और जयशंकर सुब्रमण्यम हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं और प्राइम मिनिस्टर इंडिया को जो है हमने यही बात को रखी है कि हमारे स्पॉन्सरशिप की शर्त को ख़त्म करके हमें ये हरिद्वार के अस्थियों को विसर्जन करने दें 350 अस्थियों को, और हमें एक ऐसा वीज़ा जारी किया जाए हर साल की तरह कि हमें बार बार 5-5 साल तक जो है हमें उसके लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। और ये जो हम कर रहे हैं, इस्तेमाई कर रहे हैं, इसमें जो है कोई जो लोग नहीं जा सकते हैं उनकी अस्थियों के प्यारों को जो है हम शांत कर रहे हैं, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और ये हमारा राइट भी बनता है कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्मी हैं, जहाँ पे गंगा मैया बह रही है, जहाँ पर हमारी गंगा मैया हर की पौड़ी पे स्थान पे है, वहीं पे उसका विसर्जन किया जाता है, इसलिए हम विसर्जन कर रहे हैं। मैं अक्सर मेरे रिश्तेदारों की भी अस्थियाँ पड़ी है तो काफ़ी समय तक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका मसला लो, और कभी मैं जाता हूँ रामनाथ जी महाराज के पास इसके लिए पूछने के लिए कि महाराज ये मसला कब होगा, तो महाराज हमें ये कहते हैं कि तुरंत ये मसला होने वाला है, तो भगवान चाह तो ये अस्थियाँ तुरंत जो है गंगा हरिद्वार पहुँचे, ताकि हमारे जो लवाकिनिया है और वो अपने मकाम हरिद्वार चले जाए।